आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहे कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता। खास तौर पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें ही दुनिया के सामने आई हैं। हालांकि ये पहली बार है जब किम जोंग ने दुनिया को अपनी बेटी से रूबरू करवाया। एलन मस्क ने नई ट्विटर नीति के तहत नकारात्मक और घृणास्पद ट्वीट्स को आगे नहीं बढ़ाने और उनको डीमोनेटाइज करने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नई ट्विटर नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पहुंच की स्वतंत्रता नहीं। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति एक दो दिनों में होने वाली है। देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री सना उल्लाह ने दावा किया कि पीएम शहबाज शरीफ जल्दी नियुक्ति करने वाले हैं। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र किया। सरमा ने इसे लव जिहाद करार दिया। उन्होंने कहा कि आफताब मुंबई से श्रद्धा को लेकर आया और लव जिहाद के नाम पर उसके 35 टुकड़े कर दिए। अगर देश के पास एक शक्तिशाली नेता नहीं जो देश को अपनी माँ मानता है, तो ऐसे आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस व आप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस राज में हिंदू आतंकवाद की बात कही। 70 सालों में सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की गई। बीआर अंबेडकर, वीर सावरकर का अपमान किया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा भी शक्ति स्थल पहुंचे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में दो आरोपियों ने कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। किसी संस्थान में कोचिंग देने वाले विनीत कुमार निवासी शंकरपुर मुंगेर बिहार और वेद प्रकाश निवासी रामबिग्गा कुंड आठवन डिग्री नालंदा बिहार पुलिस की वांटेड सूची में शामिल थे। दोनों ने पुलिस भर्ती का लिखित पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। शिमला के रिज मैदान पर लगा क्राफ्ट मेला स्थानीय लोगों को ही नहीं सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यहां हाथ से बनी वस्तुएं सभी को पसंद आ रही हैं। कुल्लू किन्नौरी शॉल से लेकर चंबा रुमाल तक यहां मौजूद है। 5 दिवसीय कला और शिल्प मेले में एक दर्जन से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। चंबा रुमाल के स्टॉल पर दिन भर भीड़ रही। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियम ताक पर रखकर चहेतों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार को तलब किया है। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने पाया सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत एचपीयू में सैकड़ों नियुक्तियां की गई। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। हिमाचल में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की चिंताओं के बावजूद अभी तक विपक्षी दल की तरफ से कोई लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग को नहीं मिली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को प्रदेश में बनने वाली नई सरकार से कई बड़ी उम्मीदें हैं। प्रदेश में जो भी सरकार बने एचआरटीसी कर्मियों के वेतन और पेंशन समय पर न मिलने की समस्या का हल करे। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। सरकारी गाड़ियों पर चस्पा वीआईपी नंबरों पर कानूनी हक का एक रोचक मामला सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट के सवाल काफी अहम है। इस लेख को वीआईपी नंबर प्लेट शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्यों छोड़े जा रहे अत्याचारों के अपराधी योगेंद्र योगी का लेख भी यहां छपा है। भ्रष्टाचार के बीच चुनाव के दिनों में उगते हैं राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में सरकार हमारी ही बनेगी प्रभात कुमार का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय सेना में टीजीसी भर्ती की परीक्षा कर रहे उन सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने 40 विभिन्न ट्रेड टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स
जुलाई 2023 बैच की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। टीजीसी 137 में रुचि रखने वाले सभी उम्मीदवार 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 होगी। भारतीय सेना में टीजीसी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।